तो इस T10 मैच में टॉस हो चुका है, स्ट्राइकर ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो COOL की टीम जो है बैटिंग कर रही है, पहले गेम्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो मैच स्टार्ट होने में 2 मिनट का समय बाकी है, तो 2 मिनट के बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। तब तक पोल में आंसर कर दो, कौन सी टीम आज का ये मैच जीतने वाली है, CY की टीम या फिर ZCS, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। व्हाट्सएप ज्वाइन क्या लिखते हो भाई है। तो मैच स्टार्ट होने में 1 मिनट का समय बाकी है, तो 1 मिनट के बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्कोर कार्ड को मैं सेट कर दूंगा स्क्रीन को। एक मिनट बाकी है मैच स्टार्ट होने में। 3 ओवर में 2 विकेट गिरेगा क्या नितेश कुमार? अरे भाई यहाँ तो 3 ओवर में टीम ऑल आउट हो जाती है, 2 विकेट की बात कर रहे हो यार तुम। गिर भी सकता है भाई, इस लीग का तो मैच भी नहीं देखा है अभी तक, तो आज पहला ही मैच देख रहा हूँ मैं। तो गेम्स की टीम ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग का फैसला किया है। प्लेयर ग्राउंड में आ रहे हैं, 1 मिनट में स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ।
स्कोर कार्ड अभी सेट नहीं हुआ इनका, 100 मिनट और। क्या सीन है भाई इनका, प्लेयर एंटरिंग दिखा रहा है उसके बाद आगे क्यों नहीं चल रहा है। फिर 7:50 पे स्टार्ट करेंगे मैच को, लगता तो ऐसा ही है। मैच अभी शुरू हुआ नहीं है, जैसे शुरू होगा मैं सेट कर दूंगा, वेट कीजिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्या क्या रिजल्ट रहा, कुछ बताएगा कोई? तो नितेश भाई क्या सीन था तुम्हारा पाकिस्तान और इंग्लैंड वाले मैच में, कितना कमाया तुमने? मैच अभी चालू नहीं हुआ, थोड़ा वेट करो, टाइम लग रहा है। मैच चालू क्यों नहीं कर रहे यार ये? लगता है लाइव लॉगिन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा क्या सीन चल रहा है। एक मिनट लॉग इन करके देखता हूँ। तो मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा वेट करो,
मैच स्टार्ट होने में थोड़ा सा डिले है, तो मैच तो अब खिलाड़ी ग्राउंड में आ चुके हैं, 1 मिनट बाकी है, बस मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों बैट्समैन क्रीज पर आ गए, फील्ड सेट की जा रही है, तो जो मैच का डिले था वो अब ख़त्म हो गया। तो फाइनली जो प्लेयर थे वो ग्राउंड में आ चुके हैं। अब तो दोनों प्लेयर जो हैं क्रीज पर आ चुके हैं, बस हमें 2 मिनट रुको, स्क्रीन को भी सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लेयर एक बार अपडेट हो जाए। जब तक यहाँ पर स्कोर अपडेट नहीं हो रहा साइट में, तो मैं आपको ऐसी स्कोर कार्ड बता दूंगा। पहली बॉल चालू हो गई है, तो पहली बॉल को घुमा के मार दिया, तो 1 रन आ जाएगा पहली बॉल में। अभी यहाँ साइट में स्कोर अपडेट नहीं हुआ, थोड़ा डिले है। तो जैसे ही यहाँ से अपडेट होगा साइट में, तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। बस तो 2 सेकेंड यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, पहली बॉल में सिंगल आ गया, अपडेट हो गया साइड में। स्क्रीन को सेट कर देता हूँ मैं। ओपनिंग पर आया तीकुर रहमान और मोहम्मद रुमान। दो बॉल के बाद 1 रन बिना किसी नुकसान के, सी कूल का स्कोर, सी वाई का स्कोर। तीन बॉल 1 रन बिना किसी नुकसान के, कूल का स्कोर। चलो तो स्क्रीन मैंने सेट कर दिया, तब तक मैं खाना खा के आता हूँ, उसके बाद कमेंट्री चालू करता हूँ। तो टाटा बाय बाय।
तो 4.4 ओवर के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोहली का स्कोर। अब्दुल रहीम 1 बॉल में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं और जमान अतारी 5 बॉल में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोहम्मद जवादुल्ला ने 1.4 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट लिया है। चार पॉइंट चार ओवर के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर जो भी नए बंदे हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और पोल में आंसर करो कौन सी टीम आज का ये मैच जीतने वाली है, CY या फिर ZCS। 4.4 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर
6 ओवर के बाद 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर कूल का स्कोर। जमान अतारी 11 बॉल में 15 रन बनाकर खेल रहे, रिजवान खान 3 बॉल में 3 रन बनाकर खेल रहे। तो 7वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल आ जाएगा 6.1 ओवर के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो कूल का स्कोर है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर के बाद। तो दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आएगा 6.2 ओवर के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद भी डॉट बॉल हो जाएगी। तो लगातार दो डॉट गेंदें हो गई है इस ओवर में। स्कोर वही रहेगा 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिजवान खान 3 बॉल में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। जमान अतारी 13 बॉल में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। बॉलिंग पर है ग्लैन फर्नांडिस, 1 रन आ जाएगा चौथी गेंद से। स्कोर हो गया 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर के बाद। पांचवी गेंद फिर से डॉट बॉल हो जाएगी 6.5 ओवर के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पे विकेट हो जाएगा। स्कोर हो गया कोल का 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद। तो रिजवान खान 5 बॉल में 3 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लैन फर्नांडिस को पहली सफलता मिली है, 1 ओवर में इन्होंने 1 रन देकर 2 रन देकर 1 विकेट लिया है। 7 ओवर की समाप्ति पर 48 रन 2 4 विकेट के नुकसान पर कोल बी का स्कोर। जो भी नए बंदे हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से।
यहाँ पर थोड़ी आतिशी बल्लेबाजी करती हुई कोहली की टीम स्कोर हो गया 8 ओवर के बाद 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अली अनवर ने बनाए 2 ओवर में 3 रन। जमान अतारी खेला 18 बॉल में 32 रन बनाकर, तो थोड़ी सी हिटिंग करते हुए यहाँ पर, तो पिछले ओवर में आए 12 4 16 4 20 रन, तो 8वें ओवर से आए 20 रन, स्कोर हो गया 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और 6 बॉल में 20 रन की यह पार्टनरशिप हो गई है दोनों प्लेयर के बीच।